खेड़ी ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीसीएमएचओ के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भनोखर जटवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वायरल मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी सूचना जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने काफी बार की, लेकिन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा फॉगिंग नहीं होने से स्थिति विकट हो रही है। ग्राम पंचायत जंगहाड़ू सरपंच पति सहित काफी मरीज के डेंगू और प्लेटलेट्स कम होने तथा हाथ पैरों में दर्द अकड़ने के सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों को सही नहीं होने पर खेड़ली उपजिला अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ रहा है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों तथा सरकार से टीमें भेजकर उपचार कराने तथा स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए बचाव और रोगों के उपाय की मांग की है। ग्राम पंचायत जहाड़ू सरपंच पति प्रहलाद चौधरी ने बताया कि भनोखर, वादसू, साजनपाड़ा, रिझनवास, दौलतपुरा सहित कई छोटे बड़े गाँव वायरल फीवर की चपेट में है। सरपंच प्रतिनिधि पहला झाड़ू सभी चिकित्सा विभाग से निवेदन करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत झाड़ू के गांव रिंजवास, मोहनवास, बादसू, दौलतपुरा, साजनपाड़ा, सतलावा, नकटपुर और झाड़ू में एक महीने से जानलेवा बीमारियों से लोग परेशान हैं। बीमारी हाथ पैरों में जकड़न, प्लेट का डाउन होना, उल्टी का आना, खांसी से लोग ज़्यादा परेशान हैं। मैंने चिकित्सा विभाग को भी अवगत कराया था, जबकि बनोकर और जटवाड़ा के चिकित्सक भी हम जा करके उनसे इलाज ले रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। इसलिए प्रशासन और चिकित्सा विभाग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ओर ध्यान आकर्षित कर लोगों को इलाज करने के लिए टीम भेजने की मेरे विशेष आग्रह करता हूँ।